दलाल, ये मौन व्रत का प्रोग्राम खत्म हो तो आगे बात करें प्लीज। पहले अपनी बदतमीजी का कार्यक्रम पूरा करो, कार्यवाही बाद में करते रहना। मिस्टर दलाल यहां तुम्हारा अकेला इंतजार नहीं कर रहे थे, पूरा बोट मारा इंतजार कर रहा था। तुम्हें माफी हम सबसे मांगनी चाहिए, सभी से। वक्त बर्बाद करने के तरीके इस एजीएम में सीखे जा सकते हैं। मिस्टर दलाल, करण के अगेंस्ट जितने चार्जेस हैं आप बोर्ड के सामने रख दीजिए। या शूट, मिस्टर करण सिंह पर यह आरोप है कि इन्होंने अपनी कुर्सी का गलत फायदा उठाया। सबके मना करने के बावजूद इन्होंने पब्लिकेशन डिवीजन शुरू किया, जिससे मल्होत्रा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को काफी नुकसान उठाना पड़ा। इन्होंने चेयरमैन साहब के खिलाफ भी साजिश रची और इनसे 1 करोड़ रुपए की रिश्वत दिलवाई। वाह, फूलों के हार के नाम पे फांसी का फंदा पहनाया जा रहा है। जी हां, पब्लिकेशन डिवीजन मैंने खोला, लेकिन मेरी क्या औकात है कि आप लोगों की रजामंदी के बिना मल्होत्रा इंडस्ट्री में मैं कुछ नया कर पाऊं अपनी मर्जी से अपने आप। इनका सपोर्ट था मेरे पास और इसीलिए पब्लिकेशन डिवीजन खुल पाया। पब्लिकेशन डिवीजन के मामले में अगर मैं कसूरवार हूं तो उस कसूर के हिस्सेदार महेंद्र मल्होत्रा हैं। लेकिन तुमने मेरे एतबार का गलत इस्तेमाल किया है। जी हां, और वो यूं कि पब्लिकेशन डिवीजन अगर लॉस में जाती है तो आप तो पीछे हट ही जाएंगे, कमजोर लोगों की फितरत होती है। और या 1 करोड़ की रिश्वत देने के लिए मैंने इन्हें उकसाया, और ये बताएं क्या दिखा के उकसाया, चॉकलेट लॉलीपॉप? अपनी जबान को लगाम दो करण। सारे बेलगाम हैं तो हम क्यों लगाम रखें भाई? वाह, क्या रंग बदला है तुमने, एक गिरगट भी तुम्हारे सामने शर्मिंदा हो जाए। बहन, एक मिनट, इसका असली रंग रूप तो मैं इसे दिखाऊंगी। तुम्हारी करतूतों की लंबी लिस्ट हमारे पास है और हर बात एक ही चीज का इशारा करती है कि तुम मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के चेयरमैन बनना चाहते हो। महेंद्र के हाथों जो तुमने रिश्वत दिलवाई है ना, उसके पीछे एक ही मकसद था तुम्हारा, कि तुम महेंद्र को बदनाम करो और उसे चेयरमैन की कुर्सी से हटा दो ताकि तुम्हारी सारी हसरत पूरी हो जाए। नहीं नहीं मां, ये झूठ है। ये सच है। अभिजीत नाम का एक गवाह है हमारे पास, जिसने तुम्हारी और बंसल की बातें सुनी है और हमें बताई है। अभिजीत कौन होता है? कौन है अभिजीत? उस गैर की बातों पर आप यकीन करेंगे और मुझ पर नहीं? तुम्हारे पर तो रति भर का यकीन नहीं है। हम अभिजीत की बात पे विश्वास नहीं कर रहे हैं, बल्कि तुम पे जितना विश्वास था ना, सब टूट गया है, और उसका टूटना बहुत दर्दनाक था। करें यकीन की मौत के साथ साथ कहीं रंजना देवी भी मर गई है। तुम मल्होत्रा खानदान के लिए, मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के लिए खतरा बन गए हो। तुम्हें हम मल्होत्रा इंडस्ट्रीज से निकाल रहे हैं। करण को मल्होत्रा इंडस्ट्रीज से निकालने का प्रस्ताव मैं सबके सामने रख रही हूं। जो मेरी बात से सहमत है अपना हाथ ऊंचा करें।